हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी सोया चिली। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सोया चिली बनाने को ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये सोयाबीन का बड़ी है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये 150 ग्राम लिया। स्वाद अनुसार नमक, ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, टमाटो सॉस 2 चम्मच, दही 2 चम्मच, स्प्रिंग अनियन 2 स्पून ऐसे बारीक करके कट के रखा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मैदा, तलने के लिए तेल, ग्रीन चिली 1 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, टमाटो ऐसे स्क्वायर शेप से कट के रखा, ये अनियन ऐसे स्क्वायर शेप से कट के रखा, और 5 ग्रीन चिली स्लिट करके रखा, थोड़ा सा एक गाजर ऐसे कट के रखा, एक कैप्सिकम ऐसे कट के रखा। मैं दही यूज़ कर रहा हूँ। जो लोग नॉनवेज पसंद है अंडा यूज़ कर सकते हैं। एक टॉप में थोड़ा सा पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी में बॉईल आ गया। जो सोयाबीन गैस बंद कर देती हूँ, और जो सोयाबीन का बड़ी लिया वो गर्म पानी में सोप करने के लिए रख देती हूँ। सोयाबीन बॉयल पानी सोख करके हो गया और थोड़ा ठंडा भी हो गया। अभी उसको पानी निकल के एक बाउल में ले लेती हूँ। पहले जो 2 चम्मच दही लिया वो ऐड कर दिया, और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मैदा, स्वाद अनुसार नमक, रेड चिली पाउडर। अभी अच्छी तरह से टॉस कर लूँगी। अच्छी तरह से मैरिनेट करके हो गया। अभी ऑयल गरम करके तलूंगी। अभी कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया। कढ़ाई गरम हो गया। अभी तलने के लिए ज़्यादा ही ऑयल लगेगा। ऑयल गरम हो गया। सोयाबीन जो मैरिनेट करके रखा वो एक एक करके तल के रेडी करूंगी। पलट पलट के अच्छी तरह से गोल्डन कलर करके फ्राई कर लेने का। पलट पलट के अच्छी तरह से गोल्डन कलर करके तल के लिया। वही कढ़ाई में मैं दूसरा प्रोसेस चालू करूंगी। अभी ऑयल तो गर्म ही है, उसमें जो लहसुन कट के रखा था 5-6 कलियाँ और लहसुन दे दिया, और हरे मिर्ची ऐड किया। लहसुन और हरे मिर्ची के साथ गाजर और कैरेट वो मैं ऐड किया। जो ऑनियन लिया ऐसे स्लाइस में के रखा वो मैं ऐड किया, और 2 मिनट पहले पलटी कर दूंगी।
ज़्यादा फ्राई नहीं करने का, क्रंची रहेगा। कैप्सिकम ऐड किया, टमाटो जो कल में कट के रखा था वो ऐड किया, और 2 मिनट थोड़ा सॉल्ट कर लेंगे। सॉल्ट करने के लिए थोड़ा सा नमक यूज करूँगी, और जो ब्लैक पेपर पाउडर लिया वो ऐड कर दिया। टमेटो सॉस वो ऐड करके अच्छी तरह से पहले हिला लेती हूँ। सोया सॉस 1 चम्मच वो ऐड कर लिया, और चाइनीज डिश ऑलवेज हाई फ्लेम में बनाने का, और वेजिटेबल को ओवर कुक नहीं करने का, क्रंचीनेस जो रहेगा उसमें अच्छा स्वाद आता है। और ग्रीन चिली पाउडर वो भी ऐड कर दिए, और अच्छी तरह से हिला लिया, और जो फ्राई करके रखा सॉस को वो ऐड करके अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। सॉस के साथ अच्छी तरह से मिला लिया, मैं ग्रीन चिली पाउडर बोला लेकिन सॉस यूज किया, सॉरी। अभी तैयार हो गया, अभी जो स्प्रिंग अनियन का कट के रखा था वो ऐड किया, और एक बार अच्छी तरह से मिला लिया। सोया चिली बनके रेडी हो गया, अभी प्लेट में। अभी साफ कर लेती हूँ एक प्लेट में, फिर आप लोग को दिखाते हैं। टेस्टी सोया चिली बन के रेडी हो गया, आप लोग बनाइए, आप लोग को अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।